हेलो, मेरा नाम नितिन चौहान है और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि एडोबी फ्लैश और एडोबी एनिमेट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एडोबी फ्लैश ये एडोबी मास्टर कलेक्शन का ही सॉफ्टवेयर है और एडोबी एनिमेट भी एडोबी मास्टर कलेक्शन का ही सॉफ्टवेयर है। ये लास्ट 2-3 ईयर से इसका जो फ्लैश नाम चेंज करके इन्होंने एडोबी एनिमेट नाम दिया है। बाकी टूल्स वही है, कुछ अपग्रेडेशन आए हुए हैं, दैट इज सम फॉर द लाइक वेब पर्पजेस और एप्लीकेशन के पर्पजेस पे अपडेट किए हुए हैं। बाकी सॉफ्टवेयर एज इट इज फ्लैश जैसा ही है। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वर्क स्पेस ऑफ एनिमेट। तो एनिमेट का जो वर्क स्पेस है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आप लोग एनिमेट सॉफ्टवेयर को शुरू करेंगे आपको पहले ये वेलकम स्क्रीन नजर आएगा। वेलकम स्क्रीन में यहाँ पे होम बटन है जहाँ पे ये सारे मेनूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो वेलकम स्क्रीन के ऊपर ही है। उसके साथ आप लोग अगर नए हैं, न्यू हैं, तो आप लोग लर्न में जाके यहाँ पे कुछ वेब गैलरीज में उन्होंने अपने ट्यूटोरियल्स अवेलेबल करके दिए हुए हैं, तो आप लोग इन चीजों को भी देख सकते हैं जिसमें एनिमेशंस है, SFX है, वेबसाइट डेवलपमेंट का दिया हुआ है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का दिया हुआ है, गेम डेवलपमेंट दिया है, एनिमेशंस कैरेक्टर एनिमेशंस है, रिगिंग दिया हुआ है, फेशियल एक्सप्रेशन चार्ट, डायलॉग्स दिए हुए हैं। तो काफी सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अवेलेबल्स है जो आप लर्न में जाके पढ़ सकते हैं। होम में देखते हैं यहाँ पे ओपन है। इसके पहले अगर आपने कोई भी प्रीवियस फाइल अगर सेव करके रखी है तो उस फाइल्स को आप लोग ओपन में जाके ऑन कर सकते हैं, या फिर जो भी रिसेंट फाइल्स आपने अगर खोली है यहाँ पे तो उसका यहाँ पे आपको फाइल्स देखने मिलेंगे, दैट इज द रिसेंट फाइल्स के मेनू में। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर हमें प्रीसेट्स देखने मिलेंगे। बेसिकली एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर ये सिर्फ एनिमेशन के लिए काम नहीं करता, इसके अलावा ये सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करता है, गेमिंग के लिए, ई लर्निंग के लिए, और इसका वेब डेवलपमेंट भी उसका काम है। तो इसमें यहाँ पे प्रीसेट्स में आपको दिए हैं, आपका कन्वीनियंट कोई भी प्रीसेट्स आप लोग चूज कर सकते हैं और उसके रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन का जो है उसमें आपको बाई डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रीसेट्स मिलेंगे जहाँ पे HD, Full HD, 4K और स्टैंडर्ड का मिलेगा। इसके अलावा आप लोग कस्टम साइज भी डिजाइन कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट देखने मिलेगी। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। प्लेटफॉर्म एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ही रखिए क्योंकि ये लेटेस्ट इसका प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पर ये डेवलपमेंट के रिलेटेड है। अगर आप एनिमेटर हैं तो आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ही यहाँ पे रखना है। मैं यहाँ पे HD साइज को लेता हूँ जहाँ पे ब्लू मार्क लगा हुआ है, उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा आपको जो वर्कस्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इस वर्कस्पेस में राइट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे क्लासिक का बटन दिया हुआ है। इसका मीनिंग यहाँ से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इसेंशियल्स। इसेंशियल्स में जाएंगे तो इसका जो वर्कस्पेस है वो चेंज हो जाएगा। आप डिजाइनर के हिसाब से जाएंगे तो डिजाइनर के हिसाब से आपका वर्कस्पेस चेंज हो जाएगा। बिकॉज एनिमेट सॉफ्टवेयर जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है, अलग अलग प्रीसेट्स के लिए काम करता है, तो डिजाइनर का अलग लगेगा, डेवलपर को अलग लगेगा, एनिमेटर का अलग से है। जैसे हम लोग क्लासिक करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे कि आप एडोब फोटोशॉप, एडोब इलास्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर देखेंगे तो उनके टूल बार जो है वो लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में प्रॉपर्टी बार होता है, ऊपर मेनू बार होता है और आपका वर्कस्पेस आपको सेंटर में मिलता है, दैट इज आर्टबोर्ड। तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्लासिक में काम करेंगे कि ऑलरेडी मैं एडोब फोटोशॉप और इलास्ट्रेटर और प्रीमियर यूज करता हूँ तो मुझे ये कन्वीनियंट लगता है कि इसी साइज में आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने प्रॉपर्टी पैनल्स को यहाँ से फ्लोट कर दिया, ये फ्लोटिंग पैनल्स भी कहलाते हैं, कि जैसे इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, जैसे ब्लू लाइन दिखेगी तो वहां पे मैंने प्रॉपर्टी पैनल को कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे क्लासिक में जाके मैंने यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस किया कि जैसे कि नितिन वर्क स्पेस, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं या फिर हम लोग विंडोज में जाके वर्कस्पेस में जाके भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्लासिक लिया और मुझे नहीं लगा कि जो मैंने सेव किया था वही वर्कस्पेस अगर मुझे चाहिए तो आप लोग वापस वहीं पे जाके नितिन वर्कस्पेस जो मैंने क्रिएट किया था वही आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको वापस आप फ्लोट कर सकते हैं अगेन, उसकी ओरिजिनल पोजिशन पे मैं रखता हूँ तो इसके कुछ चेंजेस है। सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टी पैनल्स में यहाँ से देखेंगे। अगर बहुत बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी पैनल्स को सिलेक्ट किया फिर मैंने क्लोज कर दिया और ये प्रॉपर्टी पैनल्स मेरा
दिखाई नहीं दे रहा है और डिलीट हो गया। तो आप घबराने की जरूरत नहीं, आप विंडोज में जाइए और यहाँ पे आपको सारे प्रॉपर्टी पैनल्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि आप प्रॉपर्टी पैनल्स का यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिया हुआ है, हर मेनू बार्स में टूल्स के आगे उसके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टीज को क्लिक करूंगा वापस प्रॉपर्टीज आ जाएगी। बट इसका एक बेहतरीन वे है, आप विंडोज में जाइए, वर्कस्पेस में जाइए और यहाँ से रिसेट नितिन वर्कस्पेस कीजिए और वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिसेट नितिन वर्कस्पेस टू इट्स ओरिजिनल लेआउट। जो उसका जो लेआउट था वो वैसा ही चाहिए, तो आप अगर एस कर देंगे अगेन वो वापस वैसा ही आपका वर्कस्पेस आपको मिलेगा। मैं क्लासिकल वर्कस्पेस शुरू कर रहा हूँ अगेन। देन लेफ्ट साइड में यहाँ पे काफी सारे टूल बार दिए हुए और बेसिक टूल्स है जिनको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन बार दिया हुआ है जिसके लेयर्स पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे की फ्रेम देख सकते हैं। राइट साइड में कुछ पैनल्स भी यहाँ पे ऑन किए गए हैं, जो पैनल्स जब भी आपको जरूरत है तब इन पैनल्स को आप लोग शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं। इस पैनल को जब आप ड्रैग कर सकते हैं या इन पैनल्स को आप फ्लोट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्लिक किया और ये फ्लोट भी हो जाते हैं और अगेन आपको अगर वहीं पे रखना है तो अगेन वापस ब्लू पैच आ जाएगा और उसी के अंदर वो पैनल्स ऐड भी हो जाएंगे। इसका अरेंजमेंट भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये पैनल्स है तो अप डाउन भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे अगर पैनल को शिफ्ट करना है तो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे अनटाइटल फाइल लिखा हुआ है, ये पेज का नेमिंग है। अगर आप फाइल में जाके इसको सेव करते हैं तो काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो आप लोग फाइल न्यू में कर सकते हैं, कोई फाइल आपको यहाँ से ओपन करनी है तो आप ओपन कर सकते हैं, सेव सेव एज के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इम्पोर्ट के ऑप्शंस आपको फाइल में मिलेंगे। वो हम लोग लेटर स्टेज में इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। इसी पैनल्स में राइट साइड में इस अनटाइटल बार के नीचे ही यहाँ पे जूम इन का ऑप्शन है, जहाँ से फिट इन विंडो कर सकते हैं जो आपको पूरा पेज दिखाई देगा, या फिर इसका परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हैं कितना परसेंटेज आपको दिखना चाहिए, या आप शो फ्रेम कर देंगे तो आपको ये पूरा आपका वर्कस्पेस दिखाई देगा। राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल्स में यहाँ पे एफपीएस दिया है, दैट इज अ फ्रेम पर सेकंड। जब भी चाहे आप इसको क्लिक करके इसका एफपीएस चेंज कर सकते हैं। उसी के नीचे यहाँ पे साइज दिया है, दैट इज अ वेट एंड हाइट। ये पिक्सल में, बिकॉज जो भी डाटा हम लोग फ्लैश में सॉरी एनिमेट में हम लोग जो क्रिएट करते हैं वही आपको सब डिजिटली दिखता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, डिवाइसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, या टेलीविजन हो, या कंप्यूटर्स है, या वेब पे, ये सब ये चीजें डिजिटल है। इसलिए इसका जो साइज है ये भी आपको पीएक्स यानी कि पिक्सल फॉर्मेट में दिखाई देगा। अब बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि एनिमेट सॉफ्टवेयर में भी कुछ डिजाइनिंग का काम करके वो लोग एक्सपोर्ट करें या प्रिंटिंग के लिए दे, तो आप लोग एडवांस सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे उसका यूनिट आप सेट कर सकते हैं कि आपको इंचेस में करना है, पॉइंट में करना है, सेंटीमीटर में। बट अगर आप बाई डिफॉल्ट की बात करें तो ये बाई डिफॉल्ट पिक्सल में ही काम करेगा। यहाँ से आप लोग स्टेज का कलर डिसाइड कर सकते हैं और देन आप चेंज कर सॉरी स्टेज का कलर आप चेंज कर दीजिए, ओके कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी पैनल में भी आप उसके कलर्स को चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट कलर्स है आप लोग यहाँ से लेके उसको चेंजेस कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको ऊपर की तरफ अगर एक पैनल है जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कलर ब्लेंड है आरजीबी के वो आप लोग ले सकते हैं, और अगर आपको स्वैचेस चाहिए जैसे ब्लॉक चाहिए तो आपको डायरेक्टली यहीं पे डिफॉल्ट स्वैचेस पैनल में उसके कलर्स मिल जाएंगे। तो ये है वर्कस्पेस। आप अलग फाइल में जाके इसको सेव में जाके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। आप यहाँ जाके उसका जो लोकेशन है वो डिसाइड कर लीजिए, फाइल का नाम दे दीजिए और सेव एस टाइप। ये बाय डिफॉल्ट एनिमेट का डॉक्यूमेंट .FLA फॉर्मेट में ये सेव होता है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय।